सकता हूँ इनका इंटरव्यू लो। शोभित, दीपक सर, फाल्गुनी मैम, जितने भी लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं, हम सब एसोसिएटेड हैं। जब योर टीवी की शुरुआत हुई थी तब से ही हम सब इनके साथ में हैं, और कुछ और अच्छे इन्वेस्टमेंट हो, कुछ और नए कंटेंट बने, हम सबको अच्छा और काम मिले और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर कुछ और नए टैलेंट्स को मौका मिले, सो व्हाई नॉट, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर शोभित, ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल द फ्रेंड्स एंड आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू मीट एवरीवन आउट हियर टुडे। आई एम जस्ट शॉर्ट नेटवर्कर विद विक्रम कोचर इज लीड, तो अभी हमने उसको शूट कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर वो फिल्म रिलीज हो जाएगी नेटवर्कर। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अभी रिसेंटली मैंने वही शूट किया है, सो आई टॉक अबाउट दैट। Thank you, and I want to congratulate once again Shobhit. Thank you, sir. He really works hard, and Deepak sir under here. I'm very excited to meet him. So, guys, thank you so much. Lovely to see you all. Thank you. Bye. तो उसके लिए कुछ भी, अगर वो चाहेगा तो उसके लिए कुछ भी।
Going, guys, it's gonna be a real party tonight! Go!
टेक्स सेवी तो नहीं हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म्स तो इसलिए हमें पता चलते हैं, इसलिए हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हम खुद कलाकार हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी ज़्यादा आएंगे, जितने ज़्यादा चलेंगे, उतना हम कलाकारों को फायदा है। हम तो हैं ही हैं, और मुझे लगता है कि बहुत से कलाकार हैं जिनको बहुत से काम की ज़रूरत है, और बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो और लोगों को काम देना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे, उतनी ज़्यादा ही कहते हैं कि रोज़ी रोटी बढ़ती है। और रोज़ी रोटी मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एक शो है वहाँ पर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों का घर नहीं चल रहा, बल्कि वो 100 लोग जहाँ जहाँ जाके पैसा खर्च करेंगे, उनका भी घर चलेंगे। तो आई ऑलवेज विश कोई भी जो नई चीज़ आती है काम करने के लिए दुनिया में, वो चलनी चाहिए। और गुड लक टू ऑल ऑफ दिस। मैं हमेशा यही साबित करना चाहता हूँ कि एक्टर को कैटेगराइज ना किया जाए। एक एक्टर जो है वो एक्टर होता है, वो कॉमेडी भी कर सकता है, रोमांस भी कर सकता है, वो विलेन भी कर सकता है, वो इमोशन भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को अभी तक ये पता नहीं है कि हम लोग थिएटर बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है जो IC 814 है वो दुनिया को ये बता पाएगी कि हम जो लोग हैं वो थिएटर बैकग्राउंड से हैं, और थिएटर बैकग्राउंड का होने की वजह से कॉमेडी, इमोशन, ये सब चीज़ें बराबर कर लेते हैं। अभी फिल्म पड़ी है मेरी कंजूस मजनू खर्चीली लैला प्राइम अमेज़ॉन पे, वो रोम कॉम फैमिली ड्रामा है। अब IC 814 के बाद शायद लोग वो भी देख रहे हैं, मुझे उसके भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, अरे सर आपने ये भी काम कर रखा है। तो जितने भी कास्टिंग वाले लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनके आगे मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है, किसी भी कलाकार को कैटेगराइज मत करो, ऑडिशन दो, उसको सामने बिठा के फेल करो, घर बैठे फेल नहीं करना चाहिए, बुलाओ उसको, अगर अच्छा नहीं लगता है तो घर भेजो जैसे बाकियों को भेजते हो, लेकिन घर बैठे रिजेक्ट मत करो, ऑफिस में बुला के रिजेक्ट करो। कॉमेडी का प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, बल्कि बहुत कम लोग हैं, सबसे मुश्किल काम है ये कॉमेडी, आसान तो है नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कॉमेडी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनको वो बहुत कुछ में से कुछ करने का मौका जरूर देना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मंत्रा का मुझे रात को 2:30 बजे फ़ोन आया था, उसने बोला था पाजी थैंक यू सो मच, आपने हमारी जो कम्युनिटी है उसकी इज्जत रखी। तो ये मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा था कि आपने अच्छा काम करके बाकी सब लोगों के लिए भी रास्ते खोले हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर ये कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। बस यही है। ड्रीम्स तो अभी शुरू हुए हैं, यही मैं कहूँगा कि पहली सीढ़ी है, और एज एन एक्टर बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी कपिल शर्मा शो है लेटेस्ट प्रोजेक्ट, जो आज मुझे बड़ी खुशी है कि नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग में पहले नंबर पे मेरा शो है, दूसरे नंबर पे मेरा शो है। तो कपिल शर्मा शो पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, IC 814 दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। सो थैंक यू गॉड, टोटली ग्रेट, थैंक यू सर। Part of the celebration. So all the very best to
थे कि आप जैसा वैसे क्यों नहीं दिखती हैं, थोड़ी चॉइसेस मैंने ले ली हैं अभी, तो उस वजह से सिलेक्टिव हूँ, तो जब बहुत ही शानदार काम आएगा या बहुत इंटरेस्टिंग जो कि मुझे करने का मन करेगा देन आई विल And yes, now we move ahead. We definitely have, ladies and gentlemen, one way. उन्होंने बहुत दयालु पर दिखाया और जब मैंने दीपक को अनीश से मिलाया तो अनीश तुरंत तैयार हो गया कि ठीक है सर, आपको अगर इस व्यक्ति पे विश्वास है तो मैं उस विश्वास पर पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ से यात्रा का प्रारंभ हुआ। मेरे ख्याल से जो आज ही मैं पढ़ रहा था उसमें ये पढ़ाई कि मैंने कि जहाँ तक OTT का सब्सक्रिप्शन का सवाल है, तो इस देश में 150 करोड़ की जनसंख्या है जिसमें से 50 करोड़ लोग OTT प्लेटफॉर्म में सब्सक्राइबर हैं। मेरे ख्याल से all the important integrity team members of B-Show to please come on stage. All the members, all the team members of B-Show to kindly come on stage. Join us for the last night. सर आ लो मिलो सर, लगाइए हाथ, लगाइए सिर्फ हाथ लगाइए, हाथ लगा दो सर, गणपति बाप्पा। देखिए प्यार से पिक्चर खींची अच्छे से, अरबों रुपए की पिक्चर है ये वाली। ऑन स्टेज कुछ लोग सामने बैठ जाओ, एक के हमने नहीं दिया, बोलना दिया वो पीछे लो। थैंक यू फोटो के आगे चले गए। चल भाई इधर यहाँ पे